देखिए, मैंने पहले भी मैंने कहा है कि कांग्रेस में मौजूदा जो हालात है उनमें बहुत बड़ा अस्वस्थता है, लोगों में बहुत बड़ी अस्वस्थता है, लोग अपना फ्यूचर वहां पर नजर नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई भाजपा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पार्टी है, काम करने का मौका है, देश का फ्यूचर है, और सबसे अहम बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व वहां उपलब्ध है। ये कई चीजें हैं जो आकर्षित करती है, इसलिए स्वाभाविक है कई लोग ये भाजपा में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर, वहीं बाहुबली ने कहा कि राहुल गांधी जब तक मुंबई में आएंगे तो कांग्रेस के 50% लोग बीजेपी में शामिल होंगे। हो सकता है, उनको मालूमात है, कई लोग उनके संपर्क में हो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखोगे हर आदमी भाजपा के लिए काम करने के लिए उत्सुक है, इसलिए अभी उसमें निश्चित तौर पर एक लोग आकर्षित होकर चुनाव के जैसे नजदीक आएगा काफी बड़े पैमाने पे लोग आते रहेंगे। सर, बात करते हैं सीए की, जिस प्रकार से सीए लागू हो गया, नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी हो गया, वही कर्नाटका की बात करें या पश्चिम बंगाल की, ये दोनों सरकार ने सीए लाने के लिए मना कर दिया, उनके इस फैसले को किस तरह देखिए कि कई विपक्ष जो है कह रहे कि अगर कर्नाटक और कौन सी सरकार ने बताया आपने? पश्चिम बंगाल। स्वाभाविक है कि वो सरकारें जो है जहां जहां भाजपा की सरकार है इसको अमल में लाने में कोई दिक्कत नहीं कि राष्ट्रीय स्तर की जो विचारधारा उसी को लेकर काम होगा आगे, चाहे वो कर्नाटक और टीएमसी की सरकार बंगाल की जो है उनकी विचारधारा इससे मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक वहां दिक्कत तो पैदा करेंगे वो। क्या सीए लागू होना चाहिए पूरे देश में? निश्चित तौर, जो फैसला पार्टी ने किया है उस फैसले से निश्चित तौर पर पूरे देश भर में ये लागू हो जाएगा। सर, एक और सवाल जानना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, वो इसके लिए, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी जो संविधान बदलना चाहती है उनकी इस बयान को। देखिए, भाजपा ने ऐसे संविधान बदल के बाद कभी कही नहीं है ये बातें, ये वोटों को आकर्षित करने के लिए कही जाती है। भाजपा ने ऐसा कभी भी स्टैंड नहीं दिया है कि संविधान को बदला जाए, यह भूमिका भाजपा ने कभी व्यक्त नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इज द लॉ ऑफ द लैंड, नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर तो अमल तो करना ही पड़ेगा।